आजमगढ़ कलेक्ट्रेट स्थित प्रथम तल पर गांधी सभागार में गणतंत्र दिवस पर आजमगढ़ जर्नलिस्ट फेडरेशन द्वारा संग्रहित किए गए चित्रों को भी प्रदर्शित किया गया, जिसमें आजमगढ़ जिले के समूचे इतिहास को दर्शाने की कोशिश की गई है। इन चित्रों के माध्यम से जिले की जनता को जिले के ऐतिहासिक 1857 की क्रांति से जुड़े हुए दस्तावेज, पौराणिक, सांस्कृतिक, व्यवसायिक तथा शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही तमाम संस्थाओं को प्रदर्शित करने की कोशिश की गई है। जिले की तमाम जागरूक जनता, इतिहास प्रेमियों, छात्र छात्राओं के लिए ये संग्रहालय किसी अजूबे से कम नहीं है, क्योंकि जब आप इस संग्रहालय को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके आसपास आजमगढ़ का समूचा इतिहास, वर्तमान और भविष्य मौजूद है। बताते चलें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी सभागार लोकप्रिय जिलाधिकारी के प्रयास से संग्रहालय में तब्दील हो गया, जहां पर आजमगढ़ को जानने के लिए बहुत सारे ऐसे दस्तावेज एवं अद्भुत संकलन हैं जो एक स्थान पर आजमगढ़ का दर्शन कराएंगे। पत्रकारों से बातचीत में जिले के DM NP सिंह ने कहा कि आजमगढ़ जर्नलिस्ट फेडरेशन का कार्य निश्चित रूप से सराहनीय है और वो बधाई के पात्र हैं। इस संग्रहालय को लेकर जिलाधिकारी आजमगढ़ ने कहा है कि संग्रहालय की सुरक्षा के लिए तीनों तरफ से दरवाजों की व्यवस्था की गई है। आगे बोलते हुए DM NP सिंह ने कहा कि भविष्य में संग्रहालय और भी समृद्ध होगा, इसको रिकॉर्ड में ले लिया गया है। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदेही अब जिला प्रशासन की होगी। इस अवसर पर आजमगढ़ जर्नलिस्ट फेडरेशन के संयोजक डॉक्टर अरविंद सिंह से हमने बातचीत की है, आइए आपको भी दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। फोटोग्राफी किया और उसके एक प्रदर्शनी महोत्सव में लगाई, लोग बहुत पसंद आई थी, तो मैंने सोचा कि एक हॉल है कलेक्ट्रेट में, उसमें उसको संरक्षित किया जाए ताकि बच्चों की और लोगों की एक्सपोजर विजिट किया जाए और उसके माध्यम से आजमगढ़ की जो धरोहरें हैं उनके विषय में नई पीढ़ी को और यहाँ के जनपद वासियों को उसका ज्ञान हो। गांधी सभागार जो कलेक्ट्रेट स्थित है उसमें आज आजमगढ़ जर्नलिस्ट फेडरेशन द्वारा निकाली गई तस्वीरें प्रदर्शित की गई हैं, एक संग्रहालय का रूप दे दिया गया है, क्या कहना है इस अवसर को? देखिए, आजमगढ़ जर्नलिस्ट फेडरेशन AJF पिछले महोत्सव का जो आयोजन हुआ था आजमगढ़ में, तो आयोजन से पहले AJF ने पूरे जनपद के कोने कोने जाकर जो यहाँ का इतिहास, जो यहाँ का पौराणिक इतिहास, 1857 की क्रांति का इतिहास और जो अद्भुत संकलन है, एंटिक कलेक्शन है, सबको वो कलेक्ट किया और उसको इतिहास को लिपिबद्ध करके महोत्सव में उसका प्रदर्शनी के रूप में लगाया। पूरे जनपद के लोगों ने उसको सराहा, आत्मसात किया और महसूस किया कि बहुत सारी चीज़ें हमारे जनपद में थी जो हम नहीं जानते थे, AJF की वजह से जाने। इस बात को जिलाधिकारी और जिला प्रशासन ने भी महसूस किया। अचानक से 3 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय का फ़ोन आता है और ये कहा जाता है मुझसे कि जो प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई फ़ोटो थी, उन फोटो को, उसमें कुछ चुनिंदे फोटो हैं, उन फोटो को छाट कर गांधी संग्रहालय में उनको लगाना है, अस्थाई रूप से उसको संग्रहालय का रूप दे देना है और उसका इतिहास लिपिबद्ध करके उसको फ्रेमिंग करके आप हमें दे दीजिए। तो यह एक अवसर था कि हम आजमगढ़ के साहित्य को, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के 1857 की क्रांति को, यानी क्रांति के इतिहास को, पौराणिक इतिहास को, जो फोटोग्राफ्स प्रदर्शित कर रहे थे चित्रों के माध्यम से, उनको हम लोगों ने इतिहास को लिपिबद्ध किया और लिपिबद्ध करने के बाद वो आज संग्रहालय में लग गई हैं और वो अब लगी रहेंगी स्थायी रूप से। उन सारे चित्रों का समावेश उस संग्रहालय में हो गया है। ये जिले की जो जागरूक जनता है, जिनकी रुचि इतिहास में है, जो छात्र छात्राएं हैं या जो अध्यापक वर्ग से आते हैं, उन लोगों के लिए इन तस्वीरों का जो संग्रहालय लगा है वो कितना मायने रखता है आजमगढ़ के समूचे इतिहास को, वर्तमान को और भविष्य को समझने के लिए? देखिए, हम लोगों ने कवर करने के लिए लगभग 15 से 20 दिन जनपद के कोने कोने तक हम लोग भटके और गए, हम लोग पूरी टीम गई, लेकिन जो लोग देखना चाहेंगे उनको भटकना नहीं है, उनको एक स्थल पर पूरे जनपद की तस्वीर, उन तस्वीरों के माध्यम से आजमगढ़ क्या था,
क्रांति के विषय में जानना चाहेंगे तो 1857 की क्रांति में कैसे कैसे लोग रहे हैं, यहाँ की शिक्षण संस्थाओं के बारे में जानना चाहेंगे तो उसका इतिहास मिलेगा, यहाँ के किलों के बारे में जानना चाहेंगे तो भी इतिहास मिलेगा, यहाँ की स्टेट के बारे में जानना चाहेंगे तो भी इतिहास मिलेगा, यहाँ का जो वास्तु है, निर्माण है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो कला है, जो शिल्प कला है, सब कुछ एक स्थान पर आपको देखने को मिलेगा। यह अद्भुत संकलन है। आजमगढ़ के डीएम ने कहा कि आजमगढ़ जर्नलिस्ट फेडरेशन द्वारा निकाली गई तमाम तस्वीरों को अब रिकॉर्ड में ले लिया गया है, अब ये रिकॉर्ड में रहेंगी, उनकी सुरक्षा और सारी चीजों की जवाबदेही अब जिला प्रशासन की होगी। इसे कितना बड़ा कदम मानते हैं और एजीएफ के लिए कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं? ये बहुत बड़ा कदम है और हमने तो ये उम्मीद नहीं किया था कि हम जजी मैदान के प्रदर्शनी से हम कलेक्ट्रेट के सभागार में संग्रहालय तक पहुंच जाएंगे। हमको तो उम्मीद भी नहीं थी और हमने कभी कल्पना नहीं किया था और हम इस उम्मीद से काम भी नहीं किए थे। हमारे काम ने हमको वहां पहुंचाया है, इसमें हमें किसी की मर्सी नहीं चाहिए और कभी मर्सी पर विश्वास करती है एजीएफ। एजीएफ सिर्फ और सिर्फ काम करती है। एजीएफ जो काम करती है वो अद्भुत काम करती है। उसका नतीजा है कि हम जजी के मैदान से हम कलेक्ट्रेट के सभागार में उस गांधी हाल में संग्रहालय के रूप में संरक्षित हो गए और हमारा जो काम है वो लोगों को दिखाई देगा। हम निवेदन करना चाहेंगे जनपद के लोगों से कि एक बार आप कलेक्ट्रेट आइए, उस सभागार में लगी हुई तस्वीरों को और उसमें छिपे हुए पूरे इतिहास को आप देखिए और महसूस करिए और अपने इतिहास पर गर्व करिए कि हम आजमगढ़ के वासी हैं। धन्यवाद। सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।